अनूप शहर में श्री काली माँ की शोभा यात्रा अष्टमी को गगन सिंह अखाड़ा खलीफा विजय लोधी मुकेश के नेतृत्व में और श्री महाकाली नवमी को शोभा यात्रा ठाकुर करण सिंह अखाड़ा नवमी के महाकाली अध्यक्ष वतन पंडित सभासद के नेतृत्व में हुआ। शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि आर के बॉस रहे। शोभा यात्रा बाकेलाल टाल काली मठ से शुभ आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई माँ चामुंडा मंदिर मोहल्ला हर गेट में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर बैंड बाजे, सुंदर सुंदर झांकियों ने अन्य कलाकारों ने अपनी अलग अलग प्रस्तुति दिखाकर अखाड़े वालों ने अपनी कलाकारी से हजारों दर्शकों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा की शांति सुरक्षा के लिए बीके गुप्ता, उप जिलाधिकारी अन्विता उपाध्याय, पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज द्विवेदी, तहसीलदार पल पल की खबर का जायजा लेते रहे। दत्त शर्मा, पुलिस प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह गौतम, क्राइम इंस्पेक्टर संदीप कुमार, SSI विपिन कुमार, SI भारी पुलिस के साथ मौजूद रहे। बुलंदशहर के अनूप शहर से संवाददाता रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। यह अनूप शहर में 48वीं बार श्री महाकाली माता की शोभा यात्रा निकल रही है और ये अनूप शहर के सभी लोगों का सहयोग रहता है इसमें, सब नौजवान और बुजुर्गों का। अखाड़े को ज़्यादातर बुजुर्ग संभाल रहे हैं और मेले को नौजवान संभाल रहे हैं। सब लोगों का सहयोग अतुलनीय है। मुझे भी बुला लेते, पहले मेरे पिता को बुलाते थे, अब मुझे बुला लेते, मैं आ जाता हूँ मैया के दर्शन करने, मेरा भी सौभाग्य है। और ये चलती रहे, बिना किसी राजनीति के चलती थी और शायद आगे भी चलती रहेगी। जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता तो मैया से आशीर्वाद लेने आ रही है, उसका संदेश कहते हैं कि जनता संदेश दे रही है सबको, जनता अनूप शहर का संदेश दे रही है, मैया का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं सब। और सभी पूरी जनता को शुभकामनाएं इस काली के शुभ, और वतन को खास तौर से जो वतन ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और पंडित जी ने ऑर्गेनाइज किया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम।